सो इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इस वक्त मेरे साथ सविता है, टीम की कैप्टन। इतना इंटरेस्टिंग मुकाबला सविता, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा, हम लोग खड़े थे ना, आखिरी जो पल था उस मैच का जब टाई हुआ 1-1 से, पूरी टीम किस तरीके से प्लान करके चली थी? या डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के बाद थोड़ा सा एक टीम में सैड माहौल था, बट हमारे पास कल का दिन था अपने आप को मोटिवेट करने का और टीम को मोटिवेट करने का, और आज हमें पता था आज का मैच इजी नहीं होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है और हार्ड लाइन का मैच कभी भी इजी नहीं होता। उस माइंड सेट के साथ हम आए थे और पता था कि स्कोर भी क्लोज रहेगा और मैच शूट आउट में भी जा सकता है, तो हर चीज़ के लिए शायद रेडी थे। आखिरी के कुछ सेकंडों में, मतलब 18 सेकंड के आसपास में ये गोल हो जाता है, फिर उसके बाद टाई होता है, फिर शूट आउट में जाता है, ये जो ट्रांजिशन था ये टीम के लिए किस तरीके का था? या टफ टाइम था क्योंकि लास्ट मिनट में और स्कोर ये हो जाना, बट मैच है, जब तक लास्ट विशल नहीं बच जाती तब तक मैच रहता है, और अगर शूट आउट में भी आया तो ये नहीं था क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है तो उसके बाद टीम में कॉन्फिडेंस नहीं है, और शायद सबसे ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम को कॉन्फिडेंस दिलाना कि ओके मैं अपना काम करूँगी, तुम सिर्फ काम रहो, अपना काम करो, और शायद हम ये मैच जीत के ही जाएंगे यहाँ से। टाई के बाद टीम का हर्डल था, क्या डिस्कशन चल रहा था, हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा कोच ने हमें यही बोला क्योंकि हमने बहुत ट्रेनिंग की थी शूट आउट की, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ उस दिन भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि शूट आउट जब आते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि ओके अब शायद मैच हमारा है, एक वो पॉजिटिव माहौल रहता है, बट शायद उस दिन जो हुआ फर्स्ट गोल और उसके बाद क्योंकि टीम में काफ़ी यंग प्लेयर्स भी हैं तो उनके पास वो एक्सपीरियंस कम है कि अगर सडनली ऐसा कुछ होता है तो चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, पर आज अगेन हमें ट्रस्ट था कि ओके हमने इस चीज़ की बहुत ट्रेनिंग की है तो हमें जस्ट काम रहना है। सविता, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा गोल्डन चांस था फाइनल में जाने का, लेकिन सेमीफाइनल में जो कुछ हुआ उसके बाद आपने टीम को कैसे संभाला, और इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर आकर इन छोटी छोटी गलतियों का होना, एक कप्तान के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? या डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम एक अलग टेम्पो से आते हैं और मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है हमें पता है कि वो मैच अच्छा रहेगा और क्लोज मैच रहेगा, और अगर हम शूट आउट पे लेके जाते हैं तो हमारे लिए एक वो प्लस पॉइंट है, और उस जगह पे जाके ऐसा होता है तो डेफिनेटली सबका मोरल डाउन होता है, बट ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे क्योंकि हाँ ये सब भी पार्ट ऑफ गेम है और हम नेक्स्ट टाइम हर चीज़ के लिए रेडी रहेंगे और हर चीज़ पर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सविता, क्योंकि इस टीम ने बहुत हार्डवर्क किया है ओलंपिक्स से लेकर टोक्यो से लेकर यहाँ तक, बहुत हार्डवर्क किया है, आपको लगता है कि इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर आने के बाद इन सब चीज़ों के ऊपर में FIH को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, एक अच्छा रिव्यू होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो किसी भी टीम के साथ? ऑलरेडी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और सबको पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें होंगी बेटर होंगी तो प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी होती है और हर एक दिन बहुत हार्डवर्क किया होता है हर एक टीम ने, आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो टेक्निकली ऐसी मिस्टेक शायद इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो क्राउड आया है इतना, जो इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? फील ग्रेट, आई थिंक फील ग्रेट, और हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं, और जो इंडिया में भी हमें बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं हॉकी के लेके एक अलग ही सबके अंदर खुशी रहती है, तो उन सबको हमारी तरफ से थैंक यू। ऑफकोर्स हम डिजर्व कुछ और करते थे बट खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ के लिए बहुत हार्डवर्क किया है और नेक्स्ट टाइम और भी बेटर करेंगे।